हाय फ्रेंड्स, एमबीबीएस नीट काउंसलिंग के आज के इस वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज के इस वीडियो में मैं 15% ऑल इंडिया काउंसलिंग का सेकंड पार्ट डिस्कस करने वाला हूं। फर्स्ट पार्ट में जैसा मैंने आपको बताया था कि ऑल इंडिया काउंसलिंग को तीन पार्ट में हमने डिवाइड किया था, फर्स्ट रजिस्ट्रेशन, सेकंड चॉइस फिलिंग और थर्ड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जो रजिस्ट्रेशन को हमने काफी डिटेल में फर्स्ट पार्ट में समझा रखा है, तो जो भी व्यूअर्स अभी नए नए हमारे इस चैनल पर आए हैं और उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को देखने से पहले आप फर्स्ट पार्ट जाकर के वॉच कीजिए। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में हमने दे रखा है। तो आइए समझते हैं चॉइस फिलिंग पार्ट को। लेकिन चॉइस फिलिंग पार्ट पर जाने से पहले थोड़ा सा मैं आपको काउंसलिंग के राउंड के बारे में एक्सप्लेन करता हूं। होगा क्या कि तीन राउंड की काउंसलिंग है, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड और मॉपअप राउंड, और हर राउंड में तीन प्रोसेस है। जैसे फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो आपने पहला स्टेप किया रजिस्ट्रेशन का, रजिस्ट्रेशन के बाद आएगी चॉइस फिलिंग और चॉइस फिलिंग के बाद होगा अलॉटमेंट ऑफ सीट। अलॉटमेंट ऑफ सीट को आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं। उसके बाद जैसे ही फर्स्ट राउंड खत्म होगा फिर सेकेंड राउंड की डेट आएगी, सेकेंड राउंड के डेट में फिर से जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, या जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है वो भी सेकेंड राउंड में जाकर के रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। या हो सकता है कि फर्स्ट राउंड में आपने सिर्फ गवर्नमेंट के लिए अप्लाई किया या प्राइवेट के लिए रजिस्ट्रेशन कराया, लेकिन इस राउंड में आपको लगता है कि आपको और काउंसलिंग अटेंड करनी चाहिए तो उसमें भी जाकर के आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। सेकेंड राउंड बिल्कुल उसी तरीके से रिपीट होगा, उसमें भी रजिस्ट्रेशन होगी, चॉइस फिलिंग होगी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ये दो राउंड जो होता है वो ऑनलाइन प्रोसेस से होता है। ये दोनों राउंड खत्म होने के बाद जो थर्ड राउंड होता है वो मॉकअप राउंड होता है। मॉकअप राउंड के बारे में कुछ ऐसा है कि अगर सेकेंड राउंड के बाद सीट खाली रह जाती है तभी मॉकअप राउंड की जरूरत पड़ती है, लेकिन अगर सेकेंड राउंड के बाद सारी सीटें भर गई तो मॉकअप राउंड को कैंसिल कर दिया जाता है। लेकिन अगर मॉकअप राउंड कंडक्ट होता है तो मॉकअप राउंड में भी तीन प्रोसेस फिर से रिपीट होंगे, रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। रजिस्ट्रेशन जो होगा मॉकअप राउंड में वो तो ऑनलाइन प्रोसेस होगा, लेकिन जो चॉइस फिलिंग होगी और जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो फिजिकल काउंसलिंग होगी। फिजिकल काउंसलिंग मतलब जिस दिन भी जिस स्टेट के अंदर में या जिस कॉलेजेस के अंदर में मॉकअप राउंड चल रही होगी उस डेट में आपको वहां पर प्रेजेंट होना होगा। तो इसके बारे में जो मॉकअप राउंड का जो और भी प्रोसीजर है कि कैसे सीटें ट्रांसफर होती हैं या कैसे सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, कैसे कंडक्ट होगा, उसके बारे में मैं डिटेल एक्सप्लेनेशन जब अगला वीडियो में 85% स्टेट कोटे की काउंसलिंग का डिस्कस करूंगा तो मॉकअप राउंड की सारी प्रक्रिया को मैं उस पर पूरे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। अब आइए समझते हैं चॉइस फिलिंग। चॉइस फिलिंग के डेट के दिन शार्प 9 o'clock पर आपको एंट्री कर लेनी होती है। आप लॉगिन आईडी पासवर्ड डालते हो और आप पैनल के अंदर आपका एंट्री हो जाता है। चॉइस फिलिंग का यह डेट आज आपके करियर का काफी इम्पोर्टेंट दिन है, क्योंकि इस दिन का इंतजार आप पिछले 18-20 सालों से कर रहे हो। आज आपके सपनों को पंख लगने वाला है और आपके ईमानदारी से किए हुए काम रंग लाने वाले हैं। इसलिए मैं पेरेंट्स से निवेदन करूंगा कि आज के डेट में आप छुट्टी ले लें, क्योंकि यह डेट आपके बच्चों के लिए काफी इम्पोर्टेंट है और उनको एक मोरल सपोर्ट चाहिए होता है। और दूसरा, उनके चॉइस फिलिंग में भी कई सारी प्रक्रिया होती है, कहीं कॉलेज पे फोन करना होता है, कहीं कुछ करना होता है, तो इसमें आप उनकी मदद थोड़ी बहुत कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ही आप एंट्री लेते हो आपके सामने आपका रजिस्टर्ड पैनल ओपन हो जाता है। जैसे अगर आपने 15% गवर्नमेंट कॉलेज के लिए रजिस्ट्रेशन कराया होगा तो वो पैनल ओपन होगा, डीम्ड यूनिवर्सिटी का कराया होगा तो वह पैनल ओपन होगा, अगर एफएमसी का कराया होगा तो एफएमसी, मतलब चार में से जो भी आपने अगर रजिस्टर्ड कराया होगा वह पैनल आपके सामने ओपन हो जाएगा। अगर चारों कराया होगा तो चारों की लिंक होगी, जिसमें आपको पहले जाना है उसमें जाइए, अगर एक कराया होगा तो एक का लिंक होगा उसमें अगर आप जाते हैं तो उसमें एंट्री आपकी हो जाती है। सपोज करिए कि आपने गवर्नमेंट का कराया है तो गवर्नमेंट का पैनल ओपन होता है, जैसे ही वो पैनल ओपन हो पाएगा आपके सामने कॉलेज की लिस्ट आ जाएगी, वो रिजर्वेशन कैटेगरी के हिसाब से वहां पर दी गई होगी। अब आप जिस कैटेगरी में भी फॉल करते हैं उस कैटेगरी में जा करके आप अपना कॉलेज लॉक कर सकते हैं। कॉलेज लॉक करने का कोई लिमिटेशन नहीं है, आप 5 कॉलेज, 10 कॉलेज, 20 कॉलेज, 50 कॉलेज, जितनी कॉलेज चाहे उतनी मर्जी अपने हिसाब से लॉक कर सकते हैं। 2 से 2.5 घंटे का प्रोसेस आपको इस कॉलेज लॉकिंग में लगेगा। 2.5 से 3 घंटे कॉलेज लॉकिंग करने के बाद आप अपने आप को ब्रेक दीजिए,
दो घंटे का ब्रेक लीजिए, एक घंटे का ब्रेक लीजिए, थोड़ा सा रिलैक्स होइए, वापस पैनल में एंट्री लीजिए और उसको फिर से चेक करिए, रीअरेंजमेंट चेक करिए कि आपने अपने मार्क्स के हिसाब से जो अरेंज करी है कॉलेज को वो सिलेक्शन च्वाइस सही है या नहीं है। अगर आपका कोई मेंटोर है तो आप अपने मेंटोर की भी सलाह यहाँ पर ले सकते हैं कॉलेज को लॉक कर देवे और उसके च्वाइस फिलिंग को अरेंज कर देवे। एक बार जब आपका च्वाइस फिलिंग आपको लगता है, आप 100% सेटिस्फाइड हो जाते हो कि आप अपने मार्क्स के हिसाब से सही अरेंजमेंट लगाई है, तो फिर आप उसको लॉक कर दीजिए यानी सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने का मैं आपको यह सलाह दूंगा कि टाइम खत्म होने से एक घंटे पहले आप सबमिट कर दीजिए, क्योंकि एंड आवर पर हाई ट्रैफिक की वजह से हो सकता है कि सर्वर एरर आ जाए, और अगर सर्वर एरर आ गया और समय पर अगर आपने सबमिट नहीं किया तो फर्स्ट काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन होने के बावजूद भी आप काउंसलिंग से बाहर हो सकते हैं। तो इस बात का आप बिल्कुल ध्यान दीजिए, और जैसे ही सबमिट का बटन आप दबा देते हैं च्वाइस की फीलिंग खत्म हो जाती है और आप अपनी किस्मत को लॉक कर देते हैं। जो थर्ड और फाइनल 15% कोटे की बची है वो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को आप अलॉटमेंट ऑफ सीट भी कर सकते हैं। च्वाइस फिलिंग के कुछ दिन के बाद आपको सीट अलॉटमेंट की लिस्ट आ जाती है। आपने जो कॉलेज च्वाइस की फिल की होगी उस कॉलेज में ही किसी एक में आपको अलॉटमेंट मिलेगी। जैसे ही आपको अलॉटमेंट मिलती है उसके बाद आपके सामने कॉलेज में रिपोर्टिंग डेट आती है। उस रिपोर्टिंग डेट से पहले आपके पास जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट वहां पर दी हुई होती है, जिसमें आपके 10th और 12th के मार्कशीट वगैरह, रैंक कार्ड, मेरिट कार्ड, अगर डोमिसाइल के थ्रू अप्लाई किया है तो वो, अगर आपने किसी रिजर्वेशन कैटेगरी के थ्रू अप्लाई किया है तो वो, सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर के कॉलेज जाने होते हैं और वहां पर आपको डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराना होता है। अगर आपको मन लाए कॉलेज मिल गया है, जैसे कि यहाँ पे दो कंडीशन है वो मैं बताना चाहता हूँ। पहला कंडीशन ये कि जैसे आपको मन लाए कॉलेज मिल गया है, आपका मन पसंदीदा कॉलेज आपको अलॉट हो गया है, तो आप कॉलेज में जाते हैं, अपना डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराते हैं, जो कॉलेज की फीस है वो सबमिट करा करके आप अपना एडमिशन का प्रोसेस कम्प्लीट कर लेते हैं। उसी वक्त आपके पेरेंट्स के मन में जितने भी सवाल आते हैं कि हॉस्टल की फैसिलिटी कैसी होगी, फूड फैसिलिटी कैसी होगी, इन कैंपस हॉस्टल है, आउट कैंपस हॉस्टल है, सिक्योरिटी क्या है, फैकल्टी क्या है, मेडिकल फैसिलिटीज क्या है, हॉस्पिटल्स में मतलब पेशेंट्स अवेलेबल हैं या नहीं है, वो सारा चीज आपको जाकर के उसी को देख लेना होता है और आपको कंप्लीट कर देना होता है। अब जो सेकेंड कंडीशन है वो यह कंडीशन हो सकता है कि आपको कॉलेज अलॉट तो हुई है लेकिन आपको मन पसंदीदा कॉलेज अलॉटमेंट में नहीं मिला है। जैसे कई सारे कॉलेज के लिस्ट च्वाइस फिलिंग करने समय डालने थे तो आपने मैक्सिमम लिस्ट में डाल दिया, लेकिन हो सकता है कि आपके मन लायक सिर्फ 10 से 12 कॉलेजेस हों और अलॉटमेंट में वो आपको कॉलेज नहीं मिला, तो आप सेकेंड राउंड के लिए फिर से अप्लाई करना चाहते हैं। इसमें एक प्रोसेस आप लोगों को दिया जाता है कि जिनको फर्स्ट राउंड में अलॉटमेंट मिली है अब वो चाहे तो सेकेंड राउंड में भी अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसका एक प्रॉपर रूल है, वो यह है कि आपको जिस कॉलेज के अंदर में अलॉटमेंट मिली है और जो रिपोर्टिंग डेट दी गई है उस कॉलेज में जाकर के आपको सीट सरेंडर का फॉर्म अप्लाई करना होता है। याद रखिए, आपको सीट सरेंडर का फॉर्म भरना बिल्कुल मैंडेटरी है। अगर आपने रिपोर्टिंग डेट से पहले जाकर के सीट सरेंडर का एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप नहीं किया तो आप अगले राउंड के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। मतलब कि 15% कोटे के थ्रू अब आप कोई भी काउंसलिंग की प्रक्रिया में एलिजिबल नहीं है, तो अपने आप को एलिजिबल बनाए रखने के लिए सेकेंड राउंड के लिए आपको सीट सरेंडर का एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना जरूरी होता है। अब यहां तक फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग समाप्त हो जाती है, अब इसके बाद सेकेंड राउंड की प्रक्रिया शुरू होगी। सेकेंड राउंड का भी रजिस्ट्रेशन डेट आपके ब्रोशर में मेंशन होगा, उस डेट में जाकर के फिर से आपको रजिस्ट्रेशन कराना होता है। जिन्होंने फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया वो जाकर के सेकेंड राउंड में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, या जिन्होंने फर्स्ट राउंड में सिर्फ एक ही गवर्नमेंट कॉलेज के लिए रजिस्ट्रेशन कराया हो वो प्राइवेट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो प्राइवेट के लिए भी सेकेंड राउंड में जाकर के रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। मतलब आपको एक और अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप सेकेंड राउंड में फिर से जाकर के रजिस्ट्रेशन कराते हैं। सेकेंड राउंड में रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद फिर से जो फर्स्ट राउंड के जितने भी प्रोसेस है वो रिपीट होते हैं। आपके पास फिर से च्वाइस फिलिंग की डेट आएगी, फिर से अलॉटमेंट ऑफ सीट का लिस्ट आएगी, और अलॉटमेंट ऑफ सीट के लिस्ट के बाद आपको जाकर के कॉलेज के अंदर में रिपोर्टिंग करनी होती है। तो सेकेंड राउंड इसी तरीके से कंप्लीट होता है, और जैसे ही सेकेंड राउंड कंप्लीट होता है ऑल ओवर इंडिया 15% जो MCC कंडक्ट करती है वो लगभग खत्म हो जाता है। मतलब इसकी काउंसलिंग प्रोसेस लगभग समाप्त हो जाती है। अब सेकेंड राउंड अलॉटमेंट खत्म होने के बाद उनको एक बात का ध्यान रखना है
कि सेकेंड राउंड में जो अलॉटमेंट आपको मिली होगी उस कॉलेज में जाकर के एडमिशंस आपको लेने पड़ते हैं रिपोर्टिंग डेट से पहले। यहाँ पर एक बात आपको ध्यान देनी है कि अगर आपको कॉलेज अलॉट हुआ है तो आपको एडमिशंस लेने पड़ सकते हैं, नहीं तो अगर आप यहाँ पर सीट सरेंडर करते हो, फर्स्ट राउंड में भी आपने कर दिया, सेकंड राउंड में भी आपने कर दिया और सेकंड राउंड के बाद भी आप नहीं लेना चाहते हो, तो हो सकता है कि कुछ पेनाल्टी आपको देनी पड़ जाए या जो अमाउंट आपने सबमिट किए थे काउंसलिंग फीस वो फॉरफिट हो सकता है या उसमें से कुछ अमाउंट डिडक्ट करके आपको रिटर्न किया जा सकता है, कुछ भी किया जा सकता है। तो आप जब भी सेकंड राउंड में या फर्स्ट राउंड में या किसी भी राउंड में जब कॉलेज लॉक करते हो यानी चॉइस फिल करते हो तो आप पूरा प्रिपेयर होकर के करो कि आपको अगर ये कॉलेज अलॉटमेंट में मिलता है तो आपको उस कॉलेज में एडमिशन ले लेना है, तभी आप कॉलेज के लिए अप्लाई कीजिए। तो सेकंड राउंड की यहाँ पर काउंसलिंग आकर के खत्म हो जाती है और 15% कोटे का 99% काउंसलिंग प्रोसीजर यहाँ पर समाप्त हो जाता है। इसके बाद अगर कोई सीट बच जाती है तो वो ट्रांसफर होती है मॉपअप राउंड में। मॉपअप राउंड में गवर्नमेंट की जो कॉलेजेज हैं उसकी काउंसलिंग स्टेट लेता है, जैसा कि यह बात मैंने पहले भी बता रखा है, और जो डीम्ड कॉलेजेस थे वो अपने अपने लेवल पर डेट निकाल करके एक पर्टिकुलर डेट एमसीसी दे देती है कि आपको इस डेट से पहले मॉपअप राउंड खत्म कर देना होता है। तो उस डेट से पहले सारे कॉलेज अपने लेवल पर मॉपअप राउंड की काउंसलिंग कंडक्ट करते हैं और वो जो मॉपअप राउंड का जो प्रोसीजर है वो मैं अगले 85% काउंसलिंग वाले में आपको विस्तार से समझाऊंगा। तो फ्रेंड्स, यहां तक आकर के 15% कोटे का सारा काउंसलिंग राउंड जो है वो समाप्त हो जाता है और मुझे उम्मीद है कि आज के इस वीडियो के देखने के बाद, मतलब फर्स्ट और सेकंड वीडियो अगर आपने क्लोजली वॉच किया होगा तो सारा पिक्चर आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे काउंसलिंग होती है, क्या क्या प्रक्रिया होती है और क्या स्टेप्स लेने होते हैं और आपको खुद से अपने लेवल पर क्या तैयारियां करके रखनी है और क्या प्रिपरेशन आपके साथ होनी चाहिए। तो आप इंतजार कीजिए हमारे अगले वीडियो सीरीज का, जिसमें मैं 85% स्टेट काउंसलिंग राउंड के बारे में डिस्कस करूंगा। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, keep liking, keep subscribing and keep smiling. Thank you.